Hello, my dear friends. A very good morning to all of you. Welcome to Online Ventures by Example. मैं हूँ जुबैर एहसानी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम पार्ट टू. तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए. एनिमल किंगडम पार्ट वन हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं. जो लोग नए हैं वो जरूर उस वीडियो को देख लेंगे. हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं सत्यम कुमार, अभि यादव, सुमेर, गोलू जायसवाल, अभिजीत, नीलेश कुमार, कामिनी. गोलू जायसवाल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. तो चलिए आज धमाकेदार सेशन. बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं. अभी सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था. एनिमल क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन मिला जुला के बोले तो दो क्वेश्चन था. तो एक टॉपिक से अगर दो क्वेश्चन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है. प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुर्गा श्री हमारे साथ हैं, कामिनी जुड़ चुकी है हमारे साथ. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. और बताइए आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं. इस बार रिजल्ट देना है आप सभी को. घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है. डर गए, घबरा गए, रुक गए, उसी को मौत कहते हैं. सांसें रुक जाने का नाम मौत नहीं है, जीवन में रुक जाने का नाम मौत है. राह में जितनी भी रुकावटें हैं, मुश्किलें हैं, उसे पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है. किसी भी मौके पर हमें मायूस निराश नहीं होना है. निगेटिव लोगों से दूर रहना है हमेशा, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना है. इति शर्मा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ हैं, जय पांडा साहब और तनु कुमारी हैं, क्रिएटिव टॉक्स हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैंने आपको बोला था कि जो एनिमल किंगडम है उसको 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है. एनिमल किंगडम को, प्राणी जगत को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है. पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमेंथिस, क्या पढ़ते हैं इसको, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डाटा, कॉर्डाटा. इकैनोडर्मेटा क्यों बोलते हैं, हेमीकॉर्डाटा क्यों बोलते हैं, कॉर्डाटा क्यों बोलते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं. तो ये जो हमारा जो 10 फाइलम है, ये 10 फाइलम को हम अभी एक साथ पढ़ लेते हैं और कॉर्डाटा भी हम लोग पढ़ेंगे. तो ये जो फर्स्ट से लेकर जो 10 फाइलम है उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होते. इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स. और वो एनिमल जो कॉर्डाटा से बिलोंग करते हैं उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स. क्यों कहते हैं समझ में आ जाएगा. तो चलो पहला फाइलम हम स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा. पॉरीफेरा इसका नाम क्यों पड़ा, पॉरीफेरा नाम क्यों पड़ा इस संघ का, उस पर हम बात करते हैं. पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र. पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र. तो पॉरीफेरा मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स. इनके शरीर पे, पॉरीफेरा से संबंध रखने वाले जंतुओं के शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं. That's why this is called porifera, that is poor bearing animals. Porifera बोले तो poor bearing animals, है ना, असंख्य छिद्र होते हैं इनके शरीर पे. That's why this is called porifera. अब देखो porifera के जंतुओं को हम सामान्यतः स्पंज के नाम से जानते हैं. तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, स्पंज किस फाइलम से, किस संघ से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा पॉरीफेरा. और जहां तक बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनका शरीर जो है वो सेल का बना हुआ है, बहुत सारा सेल है, मल्टी सेलुलर बॉडी है, बहुकोशिकीय शरीर है, लेकिन कोशिकाएं मिलकर उत्तक नहीं बना रही. हर सेल अपना अपना अलग काम कर रहा है ना. सेल मिलकर उत्तक नहीं बना रहा, मतलब सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय स्तर संगठन है, कोशिका स्तर संगठन. और इस संघ के जंतु प्रायः समुद्री होते हैं, समुद्री आवास में रहने वाले होते हैं. और इनमें वाटर केनाल सिस्टम पाया जाता है, जल परिवहन एवं नाल तंत्र पाया जाता है. यानी ये सपोज करो कि ये छिद्र है, इस छिद्र से वाटर आएगा और ये इन छिद्रों से बाहर निकल जाएगा. शरीर पे असंख्य छिद्र हैं,
इस तरह से, इसको बोलेंगे वॉटर केनाल सिस्टम। तो बस इतना याद रखना है कि पॉरीफेरा संघ के जंतुओं को स्पंज बोला जाता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये कोशिकीय स्तर का है। एग्जाम्पल देख लो, साइकॉन एक स्पंज है जिसको स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसको हम फ्रेश वॉटर स्पंज कहते हैं, फ्रेश वॉटर स्पंज कहते हैं, यू स्पॉन्जिया यही एक स्पंज है जो सिर्फ फ्रेश वॉटर में रहता है, बाकी सारे समुद्री होते हैं, ये फ्रेश वॉटर में रहने वाला स्पंज है जिसका नाम है स्पॉन्जिला, बाकी सब समुद्री जल में रहते हैं। यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यू स्पॉन्जिया का जो शरीर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, इसका जो कंकाल होता है, और जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसके कंकाल को लोग मतलब शरीर रगड़ने के लिए साबुन लगाकर उसको साफ करने के लिए यूज करते हैं। एक होता है यू प्लैक्टीला, एक स्पंज है यू प्लैक्टीला जिसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट, ये यू प्लैक्टीला भी एक स्पंज है जिसको हम वीनस फ्लाई फ्लावर बास्केट कहते हैं। इसका इस्तेमाल जापान में उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए दिया जाता है, ये खूबसूरत लगता है, थोड़ा फूल जैसा लगता है ना, कि कोई बास्केट है उसमें फूल रखा हुआ है, इस तरह का ये जंतु होता है यू प्लैक्टीला। तो यू प्लैक्टीला नाम का जो स्पंज है इसमें, इसको लोग वीनस फूलों की टोकरी भी कहते हैं, और जापान में इसे गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, गिफ्ट के तौर पे इसे दिया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कल बताया था क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आज भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि स्पंज किस संघ से बिलोंग करते हैं, या निम्नलिखित में से कौन एक स्पंज है, ऑप्शन में रह सकता है साइकॉन, ऑप्शन में रह सकता है स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज है जिसे जापान में उपहार स्वरूप दिया जाता है, गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, उत्तर हो जाएगा यू प्लैक्टीला, राजश्री। क्लियर है, राजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये देखो, ये हमने एनसीईआरटी से काट के यहाँ पे लगा दिया, एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक से काट के चिपका दिया। ये है आपका साइकॉन, ये है आपका यू स्पॉन्जिया, और ये है आपका स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो इसके शरीर पे असंख्य छिद्र होते हैं, दैट्स वाई इसे हमने कहाँ रखा है, पॉरीफेरा में रखा है, पॉरीफेरा बोले तो पोर बियरिंग एनिमल्स, बस इतना ही याद रखिएगा। दूसरा जो हमारा फाइलम है उसको हम कहते हैं सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं, क्योंकि इस संघ के जंतुओं में एक अंग होता है जिसका नाम होता है नीडोब्लास्ट, दंश कोशिका। इस संघ के जंतुओं में एक ऑर्गेन होता है, एक अंग होता है जिसका नाम होता है नीडोब्लास्ट। ये जो नीडोब्लास्ट अंग है, इसका इस्तेमाल जो जंतु हैं, इसका इस्तेमाल जंतु क्या करते हैं, ऑफेंस और डिफेंस के लिए करते हैं, प्रहार करने के लिए दुश्मनों पर, या अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं। जैसे दुश्मन आ गया उसको, उस पर प्रहार करेगा, इसमें एक टॉक्सिन, एक जहरीला पदार्थ भरा होता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएगा, भाग लेगा वहां से, या अपने शिकार को बेहोश करके उसको खाने के लिए करते हैं। That's why Cylentrata is also called Nidaria. Nidaria बोले तो नीडोब्लास्ट नाम का एक अंग इसमें पाया जाता है। ये प्रायः समुद्री होते हैं, इसकी कुछ जातियां मतलब फ्रेश वाटर में भी हो सकती हैं। अगर मैं प्रायः बोलूं तो अधिकांश जीव समुद्री जल में निवास करने वाले होते हैं। और देखो ये एडवांस हो गया है जंतु, अब कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बना लिया है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, उत्तक स्तरीय संगठन है, कोशिका मिलकर टिश्यू बना लिया, और टिश्यू क्या कर रहा है, अपना पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, और इसमें एक अंग होता है जिसका नाम होता है दंश कोशिका, नीडोब्लास्ट। इस संघ के जंतुओं में दो आकार का जंतु पाया जाता है, एक इस आकार का जिसको हम पॉलिप कहते हैं, और एक इस आकार का छतरक के आकार का जिसको हम लोग मेडूसा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि किस संघ के जंतुओं का आकार दो प्रकार का होता है, पॉलिप और मेडूसा फॉर्म किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है, तो आप बोलिएगा सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में पॉलिप और मेडूसा फॉर्म पाया जाता है।
बिल्कुल बायो आती है। तो पॉलिप और मेडुसा दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पॉलिप जो है वो इस तरह से रहते हैं और मेडुसा छत्रक जैसा, मतलब इस टाइप का रहता है। तो सिंपल आपको याद रखिएगा कि पॉलिप और मेडुसा फॉर्म किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। इसका एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल याद रख लीजिए आप, तीन एग्जाम्पल। एक हो गया आपका हाइड्रा। अक्सर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइड्रा किस संघ से बिलोंग करता है। ऑरेलिया, जिसको हम जैली फिश कहते हैं, देखो ये ट्रू फिश नहीं है, फॉल्स फिश है ये। फिश किससे बिलोंग करेगा, किस वर्ग से, पाइसेस वर्ग से, मत्स्य वर्ग से बिलोंग करेगा, वो सही फिश है, ये फॉल्स फिश है। ऑरेलिया, इसको लोग कॉमनली जैली फिश के नाम से जानते हैं, ये फिश नहीं है। तो ऑरेलिया क्या है, एक फॉल्स फिश है। एडम्शिया, जिसको सी एनिमोन, समुद्री एनिमोन बोलते हैं। फाइसेलिया, जिसको पोर्टुगेस मैन ऑफ वॉर कहते हैं। पेनिटूला, जिसको सी पेन के नाम से जानते हैं। गॉर्गोनिया, जिसको सी फैन के नाम से जानते हैं। और मैड्रीना, जिसको ब्रेन कोरल्स बोलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा ना, ये जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स मूंगा जो होते हैं, वो किस संघ से बिलोंग करते हैं, तो सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं ये जो कोरल्स होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ है, आपको पता होगा शायद। तो कोरल्स इसी संघ से बिलोंग करने वाले जंतु होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, तो जीके में क्या होगा, जीके में साइंस भी आती है ना। तो ये देखिए, ये है पॉलिप फॉर्म और ये है मेडुसा फॉर्म। ये है आपका ऑरेलिया, जिसको हम जैली फिश के नाम से जानते हैं, एनसीआरटी वाला काट के रख दिया। ये है आपका क्या, ये है आपका एडम्सिया, जिसको सी एनिमोन कहते हैं। और ये है उसका, उसमें पाया जाने वाला नीडोब्लास्ट, इसके अंदर देखो जहर भरा होता है, टॉक्सिन भरा होता है। और ये क्या करेगा, अगर कोई आएगा तो इस तरह से ये थ्रेड उस पे जाएगा और ये जहर जो है उसमें भर जाएगा और वो बेहोश हो जाएगा दुश्मन। ये है आपका नीडोब्लास्ट, दंश कोशिका। क्या है, दंश कोशिका पाई जाती। सो सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में दंश कोशिका पाई जाती है, इसलिए इसको हम नीडोब्लास्ट, सॉरी नीडेरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा संघ के जंतुओं को हम सी वॉलनट या कुंभ जेलीज भी कहते हैं। इसे प्रायः समुद्री अखरोट या कंकाल जेली भी कहा जाता है। ये भी प्रायः समुद्री होते हैं और इसके शरीर पर 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं, सिलिएटेड कुंभ लाइक, है ना, 8 कुंभ लाइक रचना होती है, है ना, कंघी जैसी संरचना जो चलने में इसको मदद करती है। तो टीनोफोरा के जंतुओं में 8 बाह्य पक्षमाभि कंकत पट्टिका होती है जो चलने में सहायता करती है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कुंभ प्लेट, है ना, जो चलने में मदद करती है। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसको भूल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि टीनोफोरा संघ के जंतु एक विचित्र घटना प्रदर्शित करते हैं जिसे हम बायो ल्यूमिनिसेंस कहते हैं, जैव परदीप्ति या जीव संदीप्ति की घटना। ये एनसीईआरटी हिंदी क्लास, हिंदी मीडियम की बुक आप देखोगे तो बायो ल्यूमिनिसेंस को क्या लिख रखा है उसने, जीव संदीप्ति, किसी किसी बुक में जैव परदीप्ति भी लिख देते हैं। टीनोफोरा संघ के जंतुओं में एक बहुत ही अद्भुत घटना पाई जाती है और इस घटना को हम बायो ल्यूमिनिसेंस कहते हैं। What is bioluminescence? The phenomenon of emission of light by living organism is known as bioluminescence. जंतुओं के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की जो घटना है वो bioluminescence कहलाता है। कोई living organism अगर light emit कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, then this phenomenon is called what? Bioluminescence. बायोल्यूमिनिसेंस, जैसे आपने जुगनू देखा होगा, फायरफ्लाइज देखे होंगे, जुगनू रात में निकलते हैं और इसके पीछे इस तरह से ये लाइट जलती है। जुगनू देखा है, कितने लोगों ने जुगनुओं को देखा है, ये जुगनू है और जुगनुओं के पीछे से लाइट निकलता रहता है ये यहां से, ठीक है। तो यह है जुगनू, तो जुगनू भी जो है वो बायोल्यूमिनिसेंस की घटना प्रदर्शित करते हैं। सो when लिविंग ऑर्गेनिजम्स एमिट लाइट, देन दिस phenomenon इज termed एज विच वन इज नोन एज what? बायोल्यूमिनिसेंस, माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर।
जैव प्रदीप्ति या जीव संदीप्ति की घटना। जुगनू, दुश्मनों की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनों की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। आप हमसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं। और क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा, क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा। जुगनुओं से भी उल्फत रखो, चांदनी का भरोसा नहीं। जुगनुओं से भी उल्फत रखो, चांदनी का भरोसा नहीं। तो ये जो जुगनू है जो रात में क्या करते हैं, आपको एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं, ये भी बायोल्यूमिनेसेंस की घटना है। और टीनोफोरा के जंतु, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक जंतु है टीनोप्लेना, एक जंतु है प्लियोरोब्रैकिया, ये सब पानी के अंदर होंगे, समुद्र के अंदर होंगे, लेकिन समुद्र के अंदर ये चमकते हुए प्रतीत होंगे। जैसे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है प्लियोरोब्रैकिया, इस तरह का जंतु होता है, इससे लाइट निकलेगा, ये बॉल लाइक है, ये देखिए ये जंतु है, कितना खूबसूरत जंतु है, दिख रहा है। मानवेंद्र सिंह, आपने ही शायद कहा था क्या कि एनिमल किंगडम पे क्लास लीजिए, आप तो कल थे नहीं। मैं पूछ रहा था कि भाई किसने बोला था एनिमल किंगडम पे क्लास लेने के लिए। आग लग गई है, अच्छा। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए। एक बहुत अच्छा शेर था पर पूरा याद नहीं आ रहा मुझे। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है वो है प्लैटी हेलमिंथिस। प्लैटी का मतलब हो गया फ्लैट। कल पेपर था आपका, चलिए ठीक है, तो देख लीजिएगा वो पिछला वाला, उसी से लिंक्ड है ये क्लास, है ना, राजा, ठीक है। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ का मतलब क्या होता है, वर्म, क्रीमी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। प्लैटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट, और हेलमिंथ का मतलब क्या होता है, वर्म। दैट्स व्हाई इसे चपटी कृमि भी बोला जाता है। तो इस संघ के जंतुओं को हम चपटी कृमि कहते हैं और ये एंडो पैरासाइट होते हैं, प्रायः एंडो पैरासाइट होते हैं, अंतः प्रजीवी होते हैं। अंतः प्रजीवी समझना आता है ना, अरे पैरासाइट का मतलब क्या होता है, कई बार तो पढ़ाया मैंने। पैरासाइट का मतलब होता है वो जीव जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। जैसे बैक्टीरिया आपके शरीर में घुस गया तो आपके बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा और आपको ही नुकसान पहुंचा देगा, अपना फलता फूलता है, खूब रिप्रोडक्शन करेगा आपकी बॉडी में और आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो वो जीव जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइट। अब पैरासाइट दो तरह का होता है, एक होता है एक्टो पैरासाइट और दूसरा होता है एंडो पैरासाइट, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। एक्टो पैरासाइट क्या होगा, शरीर के बाहर होगा, जैसे आपके सर में जुआ हो गया, ये जुई हो जाती है ना सर में, तो बाहर से रह के आपका खून चूस रहा है। आपने देखा होगा भैंसों को, भैंसों की बॉडी से ये लीच आकर चिपक जाता है, लीच, लीच समझता है ना, जोंक, और खून चूस लेता है। भैंसों को नहाते हुए देखा होगा पानी में, अक्सर भैंसें पानी में नहा लेती हैं, और एक बार पानी में घुस गई तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसे पानी से निकाल दे, इसलिए बोलते हैं लोग गई भैंस पानी में है। तो खून चूस रहा है बाहर से, तो ये हो गया एक्टो पैरासाइट, लेकिन बॉडी के अंदर घुस कर आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है, इन साइड द बॉडी, देन दिस इज नोन एज वॉट, एंडो पैरासाइट, इन साइड द बॉडी, शरीर के अंदर रहकर आपके बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। सो जनरली ये क्या होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, आपके शरीर में घुसकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। नाउ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो कभी भूलना मत, ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसको, और जाहिर सी बात है जिसने ये क्वेश्चन बनाया होगा वो अपने टैलेंट से बोर्ड में आया होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, किसी की सिफारिशों से नहीं आया होगा या घूस देकर नहीं आया होगा। किस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है,
ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो याद रख लीजिएगा चपटी कृमि में। और चपटी कृमि का एग्जाम्पल आप देख लो प्लानेरिया, एक चपटी कृमि है, टीनिया फैसियोला, ये चपटी कृमि है, ये सब चपटी कृमि है। और मैंने शायद पढ़ा रखा है कि प्लानेरिया में हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। इस तरह का जंतु था प्लानेरिया, याद है, इस तरह का जंतु था प्लानेरिया। इसको हमने काट दिया तीन भागों में, तो इसका हर पार्ट अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करके नया प्लानेरिया क्या कर रहा था, बना ले रहा था। तो सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर किस जंतु में होती है, देन योर आंसर शुड बी प्लानेरिया। व्हाट इज प्लानेरिया? इट इज अ फ्लैट वर्म चपटी कृमि। टीनिया जिसे हम टेप वर्म कहते हैं, एंड फैसियोला जिसको हम लीवर फ्लूक कहते हैं। टेप वर्म टेप जैसा दिखता है, ये देखो ये आपका टेप वर्म और ये है फैसियोला यानी लीवर फ्लूक। तो ये चपटी कृमि बोलते हैं, इस तरह से रहता है बिल्कुल फीता जैसा, ये चपटी कृमि है। ये एनसीईआरटी से काट के यहाँ पे चिपका दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट टॉपिक भी ले आना, ठीक है, बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, याद रख लेना बस। अब आ गया एस्केलमेंथिस, इसको क्या पढ़ेंगे, पहले उच्चारण समझना, एस्केलमेंथिस पढ़ेंगे, एस्केलमेंथिस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एस्केलमेंथिस। इसको हम राउंड वर्म भी यानी गोल कृमि भी बोलेंगे। ये मतलब मुक्त जीवी हो सकते हैं, मतलब फ्रीली रह सकते हैं कहीं पे भी, मिट्टी में पानी में, पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, जल में रह सकते हैं, थल पे भी रह सकते हैं। इस संघ के जंतुओं की खास बात मैं आपको बता दूं, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, किस संघ के जंतुओं में मादा जो है वो नर से लंबी होती है, मादा नर से लंबी होती है, तो उत्तर आपका हो जाएगा एस्केलमेंथिस। फीमेल्स लॉन्गर देन मेल्स, मादा नर से अधिक लंबी होती है, बहुत अच्छी बात है ये, मादाएं नर से अधिक लंबी होती है, किस संघ के जंतुओं में, राउंड वर्म यानी एस्केलमेंथिस में। एग्जाम्पल देख लो एस्कैरिस राउंड वर्म, वूचेरेरिया फाइलेरिया वर्म, वूचेरेरिया जिसकी वजह से क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है, आपको बीमारी मैंने पढ़ा रखी है एलिफेंटियासिस, वूचेरेरिया की वजह से क्या होता है एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हाथी पांव रोग या फील पांव रोग। हाथी पांव रोग या फील पांव रोग एक वर्म से होती है, उस वर्म का नाम होता है वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, पूरा नाम देखोगे तो इसका नाम होता है वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, है ना, वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, जिसकी वजह से फाइलेरिया हो जाता है। आदमी का पांव जो है वो सूजकर हाथी के पांव जैसा दिखने लगता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाथी पांव नामक रोग होता है एक चपटी कृमि के द्वारा, एक गोल कृमि के द्वारा, तो उत्तर हो जाएगा गोल कृमि के द्वारा, उस गोल कृमि का नाम है वूचेरेरिया, जिसको हम फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। तो स्कैरिस जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, वूचेरेरिया जिसको फाइलेरिया वर्म कहते हैं, ये सब के सब क्या है, राउंड वर्म्स हैं। नोट्स मैं 2017 पैरामाउंट आगरा से बना रहा हूँ। अरे आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, पैरामाउंट के स्टूडेंट हैं, तो पहले जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी उसकी बात ही अलग हुआ करती थी, आपने देखा होगा कितनी भीड़ हुआ करती थी क्लासेस में, कभी कभी तो दो दो क्लासेस में बांटना पड़ जाता था। आगरा में मैं पढ़ाता था, जयपुर में पढ़ाता था, एमपी में मैंने पढ़ाया है, दिल्ली मुनिरका ब्रांच मुखर्जी नगर कहाँ नहीं पढ़ाया मैंने, हजार हजार बच्चों के बैच हुआ करते थे, आपको तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है मानवीय, तो कितनी भीड़ हुआ करती थी और क्या माहौल हुआ करता था, है ना, तालियां बजती थी क्लास में, वो अलग माहौल होता था। ऑनलाइन में तो खैर वो माहौल आना मुश्किल है। क्लियर है, चलिए कुछ टॉपिक रह गए थे बाकी, तो चलिए यहाँ से देख लीजिए सब कंप्लीट है। चलिए अभी तो मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, अभी स्टूडियो भी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी कोरोना का आप जानते हैं दिल्ली में कोरोना का कितना। अब आगरा भी मैं आता था तो दिल्ली से ही आता था ना, पैरामाउंट में सारे टीचर वहीं से जाते थे, दिल्ली से ही जाते थे,
वहां पे हम लोगों के गेस्ट हाउस हुआ करते थे जिसमें हम लोग ठहरते थे। आगे बढ़ते हैं, फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा संघ के जंतुओं की बात अगर हम करें तो ये जलीय हो सकते हैं, एक्वेटिक मतलब जलीय हो सकते हैं, थल में रहने वाले हो सकते हैं, मुक्त जीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी रह सकते हैं। इनकी खास बात होती है कि इनके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है, खंडी भवन युक्त शरीर होता है। इस तरह से बॉडी सेगमेंट में बता होगा, खंडों में विभाजित होगा, ऐसा सेगमेंटेड बॉडी, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, है ना, सेगमेंटेड बॉडी होगी इनके पास। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बार बार आपसे पूछा गया है केंचुआ, अर्थवर्म को हिंदी में केंचुआ ही बोलते हैं ना, केंचुआ, लीच जिसको हिरुडिनेरिया यानी जोंक बोलते हैं, जोंक, और नेरिस, ये सब के सब जो गैस, याद रखिएगा एनेलिडा संघ के जंतु हैं, ये बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। एग्जाम्पल इसका रट लो कि आपसे बार बार पूछा जाता है कि अर्थवर्म और लीच किस संघ से बिलोंग करते हैं, तो एनेलिडा से, एनेलिडा से बिलोंग करते हैं। सिल्क वर्म आ जाएगा तनु कुमारी, मतलब आपका अर्थ्रोपोडा में जितने भी कीट हैं वो अगला जो आ रहा है अर्थ्रोपोडा में आएगा। मोलस्का के बाद मैं अर्थ्रोपोडा पढ़ाऊंगा। हिरुडिनेरिया इसका साइंटिफिक नेम है, फेरेटिमा पोस्थुमा अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है। आपने देखा होगा ये लीच, लीच जो है वो भैंस के स्किन पे चिपक जाता है और उसका खून चूस लेता है। या आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं कभी कभी तालाब में, अभी बरसात का दिन है, तालाब में पोखरों में पानी भरा रहता है, उसमें बच्चे नहाने जाते हैं तो उसकी बॉडी से भी चिपक जाता है। बाहर जब निकलता है तो बच्चे उसको बताते हैं, अरे तुम्हारे बॉडी से चिपका हुआ है, बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा, जिस वक्त आप चिपकेगा ये आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसके लार्वा में पेनकिलर होता है जो आपको दर्द होने नहीं देता, और एक एंटीकोएगुलेंट होता है जो खून को जमने नहीं देता, ये आसानी से चूस लेता है खून। आपने देखा होगा भैंसे पानी में नहा रही होती है, उसकी बॉडी से भी चिपक जाता है। घर आती है भैंसे तो उसका मालिक उस पर नमक डाल देता है, नमक डाल देता है तो ये छोड़ देता है। नहीं देखा है क्या, लीच को नहीं देखा है क्या, ये डिहाइड्रेट हो जाता है ना, इसकी बॉडी से निकलने लगेगा, फिर बाहर जो है कंसंट्रेशन अलग है तो यहां से वाटर रिमूव करना शुरू हो जाता है उसकी बॉडी से। और ये है आपका, देखो ये है आपका, ये लीच हो गया और ये हो गया आपका क्या उसको बोलते हैं, ये हो गया आपका केंचुआ, ये हो गया आपका केंचुआ बोले तो अर्थवर्म, ये मिट्टी के अंदर रहता है। अर्थवर्म को फ्रेंड बोला जाता है फार्मर का, है ना, ये जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म, अर्थवर्म का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको एक नाम दिया गया है, बताइए तो, अर्थवर्म का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, जो एक फर्टिलाइजर का काम करता है उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो एक उर्वरक जैसा कार्य करता है, उर्वरक जैसा कार्य करता है, ये खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। जिस मिट्टी में अर्थवर्म है ना उस मिट्टी को ये लूज कर देगा, एरिएटेड कर देगा, ऑक्सीजन आसानी से प्रवेश करेगा मिट्टी में, और दूसरा उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है, इसलिए केंचुआ को हम किसान का मित्र बोलते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। परिवर्तन 2.0 में बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो गया है क्या? हाँ बिल्कुल खत्म हो गया है सजल, बिल्कुल बिल्कुल उसमें फिनिश हो गया है। तो बस ये याद रखना कि अर्थवर्म, लीच और नेरिस जो हैं वो एनेलिडा से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सजल, क्या कोई टॉपिक रह रहा है क्या? अब नेक्स्ट है हमारा आर्थ्रोपोडा। अर्थरॉस मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, और पोडियम का मतलब क्या होता है, पोडम, पोडियम का मतलब क्या होता है, पैर, यानी ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं इसके पास। तो अर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखिएगा कि अर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में क्या होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, संधि युक्त पद होते हैं, संधि युक्त पद होते हैं, पैर इसमें, इनके पैरों में ज्वाइंट्स होंगे। So, इसका ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये याद रखने लेना कि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये एनिमल किंगडम का याद रखना।
थैंक यू वेरी मच सजल। हमारे पेड बैच के बच्चे भी जुड़े रहते हैं और आप लोग जुड़े रहिएगा, कब कौन सी चीज नई बात आ जाए क्लास में, है ना, वो मूड पे डिपेंड कर देता है। तो इनका शरीर जो है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर तीन भागों में विभाजित होता है, हेड यानी सिर, थॉरेक्स मतलब वक्ष, एब्डोमेन मतलब उदर। तो हेड थॉरेक्स और एब्डोमेन में, ये हेड हो गया थॉरेक्स हो गया एब्डोमेन में विभाजित होता है। इस संघ के जंतुओं में श्वसन जो है वो गलफड़ा से हो सकता है या बुक गिल्स के द्वारा हो सकता है, फेफड़ा से हो सकता है या ट्रैकिया से हो सकता है ना। इस संघ के जंतुओं में श्वसन जो है विभिन्न विभिन्न अंगों के माध्यम से हो सकता है। और इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन, ये याद रखना आपको, किस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन मालपीघियन नलिकाओं के द्वारा होता है, तो बोलिएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। और किस संघ के जंतुओं में कंपाउंड आईज होती है, संयुक्त आंख होता है, तो उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, कीटों में। और इसका एग्जाम्पल हो गया सभी कीट, जितने भी कीट हैं वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेंगे, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, है ना, सिल्क वर्म हो गया, सिल्क वर्म हो गया, है ना, रेशम का कीट हो गया, कोई भी कीट जो है, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब इसी से बिलोंग करें। कंपाउंड आईज की अगर हम बात करें तो इनका आई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसको ओमेटिडियम कहते हैं, ओमेटिडियम कहते हैं, है ना। तो बहुत सारी आंखों से मिलकर बना होता है एक आंख, कंपाउंड आई बोलते हैं इसको। तो जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने सारे कीट हैं, वो सब इसी से आ जाएंगे। जैसे एपिस मतलब हनी बी, हनी बी मतलब बोले तो मधुमक्खी, मधुमक्खी। बॉम्बिक्स सिल्क वर्म, रेशम का कीट। अभी कोई पूछ रहे थे ना रेशम का कीट किससे बिलोंग करेगा, एनोफिलीज मच्छर है ये, क्यूलेक्स ये भी मच्छर है, टिड्डी, लिम्यूलस जिसको किंग क्रैब कहते हैं, किंग क्रैब ये लिविंग फॉसिल है, ये क्या है, एक लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं इसको, जीवित जीवाश्म। फॉसिल का मतलब क्या होता है, कि कोई कोई चीज डेथ कर गई, उसमें उसके जो इम्प्रेशन बन गया, उसके जो अवशेष हैं, उसको लिविंग, उसको फॉसिल कहते हैं। लेकिन ये इसमें, इस जंतु में पूर्वजों के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं, जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट एनिमल है, ज्वाइंटेड लेग्स होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें एक्सक्रीशन मालपीघियन नलिकाओं के द्वारा होगा, और इसमें सभी इंसेक्ट आ जाते हैं। बस अभिजीत ने जितना लिखा है उतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, नाम पूछ लेंगे, जैसे एपिस पूछ लिया, हनी बी, सिल्क वर्म, एनोफिलीज मच्छर, या क्यूलेक्स, या टिड्डी जो है, लोकस्टा या लोकस्ट जिसको बोलते हैं, लिम्यूलस, ये सब किससे बिलोंग करता है, तो आर्थ्रोपोडा से। ये देखो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये है लोकस्ट आपका, टिड्डी जानते हैं ना, ये लोकस्ट। बटरफ्लाई कीट है तो इसी से बिलोंग करेगा, बिच्छू इसी से बिलोंग करेगा, प्रॉन, देखो ये प्रॉन मछली नहीं है, इसको झींगा मछली लोग बोल देते हैं, ये झींगा मछली बिल्कुल नहीं है, ये मछली नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, ये कीट है, क्रस्टेशियन है। थ्री पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दुर्गा वेरी गुड। ज्वाइंटेड लेग्स कितने होंगे, ज्वाइंटेड लेग्स कितने होंगे, तो थ्री पेयर्स होंगे, थ्री पेयर्स ज्वाइंटेड लेग्स इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिल्कुल सही फरमाया दुर्गा श्री ने। ओके, तो ये हमने काट के यहाँ पे चिपका दिया है, ये एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक आप देखिएगा, पढ़ते ही होंगे आपको। अब आ जाइए मोलस्का, मोलस्का संघ के जंतुओं को सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, नाजुक शरीर वाले जीव, नाजुक होता है इनका शरीर, है ना, नाजुक शरीर वाले जीव, कोमल शरीर इनका होता है, कोमल शरीर। और ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है प्राणी जगत का, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया, और यू कैन से एनिमल किंगडम,
एग्जाम्पल में आ जाएगा पायला, जिसे हम कहते हैं स्नेल, या इसे हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं घोंघा, इस तरह का जंतु यह है पायला। पिंक टैडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्ल। मोती, मोती जो है वो किस संघ के जंतुओं से प्राप्त होता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका मोलस्का। ऑक्टोपस तो जानते हैं, ये ऑक्टोपस है जिसका ब्लड ब्लू होता है। डेंटेलियम सीपिया, जिसको हम कटल फिश कहते हैं, देखो ये कटल फिश फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश है। तो सिल्वर फिश मैंने बोला कि फॉल्स फिश है, जेली फिश फॉल्स फिश है, कटल फिश फॉल्स फिश है, ठीक है। ये देखो ये हो गया आपका पाइला, जिसको हम लोग स्नेल भी कहते हैं, जिसको हम घोंघा कहते हैं। ये हो गया आपका पर्ल, पिंक टैडा, मोती प्राप्त होता है ना, मोती। और ये हो गया आपका ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ये सब के सब जो हैं वो मोलस्का से बिलोंग करते हैं। इनका शरीर काफी कोमल होता है, देखिए अंदर से जब ये निकलेगा ना तो इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, शेल होती है। शेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके अंदर जो मोती होगी वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। ये जो पर्ल होता है, मोती होता है, ये भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। लिजर्ड रेप्टाइल में आएगा, वो रेप्टाइल में आएगा, इसमें नहीं आएगा ना, अभी तो काफी दूर है वो रेप्टाइल। यूनियो सीपिया ऑक्टोपस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सूरज सिंह, लिजर्ड इसमें नहीं आएगा, लिजर्ड क्या है, सरीसृप है, तो अभी तो वर्टिब्रेटा आने दीजिए, क्वाड्रेटा आने दीजिए। नेक्स्ट है हमारा इकाइनोडर्माटा। इकाइनस मतलब क्या होता है, स्पाइन, कांटा। इकाइनस मतलब क्या होता है, कांटा, और डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। डर्मा मतलब क्या होता है, त्वचा। त्वचा पर कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, इसलिए इस संघ के जंतुओं को इकाइनोडर्माटा बोला गया। प्रायः ये समुद्री होते हैं और इनका जो शरीर है, एडल्ट जो होगा इनका, जैसे इसमें आता है स्टार फिश, इनका शरीर रेडियली सिमेट्रिकल होगा, एडल्ट का रेडियली सिमेट्रिकल। कल पढ़ाया मैंने, वैसा जंतु जिसका शरीर हम कई भागों में, बराबर बराबर भागों में काट सकते हैं कई बार, लेकिन इसका जो लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। हालांकि ये नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संघ के जंतुओं में एडल्ट जो होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन उसका लार्वा जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब एक ही बार बराबर भागों में हम काट सकते हैं। जैसे ह्यूमन, ह्यूमन जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी है। तो इसका जो एडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, और इसका लार्वा जो होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। इसको याद रख लीजिएगा, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एक बात और याद रखिएगा कि इस संघ के जंतुओं में फूड कैप्चर करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए एक स्पेशल अंग होता है, जिसको हम ट्यूब फिट कहते हैं, नाल पद कहते हैं। ये नाल पद जो है वो लोकोमोशन में सहायता करता है, लोकोमोशन में सहायता करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, और इस संघ के जंतुओं में खास बात यह होती है कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, उत्सर्जन तंत्र नहीं होता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्टोरी का क्या वेटेज होता है सीडीएस में? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका साइंस से आता है, साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं, लगभग इसमें आपको 10 क्वेश्चन बायो से होंगे, 10 क्वेश्चन फिजिक्स से होंगे, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे। ये फ्लक्चुएट करता है, कभी बायो से 12 क्वेश्चन कर दिया, फिजिक्स से 9 कर दिया, इससे 10 कर दिया, इस तरह से फ्लक्चुएट करता है, लेकिन ओवरऑल 30 क्वेश्चन साइंस से होता ही है, ठीक है, क्लियर है। काजल गुप्ता कह रही है कि एक बार मैं ही सर सुन लेंगे, बहुत ना पुकारो। हाँ बिल्कुल, ज्यादा पुकारने की जरूरत नहीं है, यहां देखेंगे। हाँ चलिए, राजश्री। तो उत्सर्जन
तंत्र इसमें एबसेंट होता है, और इसमें आगे आपका एस्टेरियास मतलब स्टारफिश, एंटीडॉन सी लिली, इकाइनस सी अर्चिन, कुकुमेरिया जिसको होलोथ्यूरिया कहते हैं, सी कुकुम्बर कहते हैं। अभी यही क्वेश्चन एग्जाम्पल में था आपका, सी ए पी एफ 8 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें होलोथ्यूरिया ऑप्शन में था और पूछा था इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, तो देखिए इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, यही सही उत्तर था। तो स्टारफिश, ये देखो ये स्टारफिश है, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य, शरीर पर कांटे जैसी संरचना है, एंटीडॉन सी लिली कुछ खूबसूरत तरह का जंतु है ये, कुकुमेरिया जिसको होलोथुरिया भी कहते हैं, सी कुकुम्बर भी कहते हैं, कुकुम्बर जैसी इसका शरीर, बॉडी पर कांटे जैसी संरचना, इकाइनस जिसको सी अर्चिन कहते हैं, काफी खूबसूरत सा जंतु है ये सब समुद्र में होता है, ये सब के सब इकैनोडर्माटा से संबंध रखने वाले जंतु हैं, इकैनोडर्माटा से संबंध रखने वाले जंतु हैं। ठीक है जी, चलो तो इकैनोडर्माटा में आगे आपका स्टारफिश, सी लिली, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, होलोथुरिया। नेक्स्ट आ गया हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा के संघ के जंतुओं का शरीर कृमि के समान होता है, इसका शरीर जो है वो बेलनाकार होता है, इसमें सूंड जैसी संरचना होती है, हाथी जैसा सूंड होता है ना, प्रोबोसिस, कॉलर नाम का ट्रंक होता है, कॉलर यानी ट्रंक, इसका जो एब्डोमेन होगा वो कॉलर लाइक होगा, और इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस, यही दो एग्जाम्पल हैं इसमें। तो बैलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डाटा से बिलोंग करते हैं, कुछ इस तरह का जंतु आपको दिखेगा, ये सूंड जैसी संरचना होती है, ये कॉलर होता है और ये ट्रंक होता है, ये ट्रंक कहलाता है। तो इसका शरीर जो है तो होता है वॉर्म लाइक होता है, और ये है बैलेनोग्लॉसस का चित्र, बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस जो है वो हेमिकॉर्डाटा से बिलोंग करते हैं। फ्लाइंग फिश अभी आ रहा है, फ्लाइंग फिश फिश है, अब फिश भी दो तरह का होता है, कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिक्थिस, वो किसमें आएगा वो बता दे दूंगा मैं। फ्लाइंग फिश का मैंने ऐड कर रखा है, उसका फोटो भी मैंने दिया है, पानी से जब वो निकलता है ना तो इसके जो स्किन है वो मतलब पंख जैसा स्ट्रेच होकर पंख जैसा आता है, और हवा में बहुत दूर तक रहता है ऊपर तक, और फिर पानी में कूद कर चला जाता है। अब आ जाता है फाइलम कॉर्डाटा, ये 11वां फाइलम है, सबसे लास्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। कॉर्डाटा संघ के जंतुओं में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, पृष्ठ रज्जू पाया जाता है, जैसे ये मान लिया बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी में आगे से पीछे तक एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो शरीर को क्या करेगा, दृढ़ता प्रदान करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, शरीर को मैकेनिकल सपोर्ट देगा, दृढ़ता प्रदान करेगा, और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो बाद में हम लोगों में विकसित होकर क्या बना लिया है, रीढ़ की हड्डी बना लिया है। बाकी जितने भी अभी आप जंतु पढ़ चुके हैं, पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्माटा तक, उनमें शरीर को सपोर्ट करने के लिए कोई रॉड नहीं है, हम लोगों में रॉड है ना, अरे रीढ़ की हड्डी है ना, यहां से यहां तक जो हमारे शरीर को सपोर्ट कर रहा है, चलने फिरने में, लड़ाई झगड़ा करने में मदद कर रहा है। लेकिन पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्माटा तक के जंतुओं में इस तरह की कोई रचना नहीं थी। देखो एनिमल एडवांस हो रहा है, अब नोटोकॉर्ड बनना शुरू हो गया है। तो अगर शरीर में नोटोकॉर्ड है तो वो कॉर्डाटा से बिलोंग करेगा। नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो शरीर में आगे से पीछे तक फैली हुई है। उसके अलावा इसके पास नर्व कॉर्ड होता है, रज्जू, तंत्रिका रज्जू पाया जाता है, नर्व कॉर्ड, ये हम लोगों में स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो बॉडी में क्या होगी, एक नर्व कॉर्ड होगा आगे से लेकर पीछे तक, तंत्रिका रज्जू होगी, तंत्रिकाओं का एक समूह होगा जो फैला हुआ रहेगा। तो कॉर्डाटा संघ के जंतु की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड होगा और नर्व कॉर्ड होगा, जंतु क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। अब ये जो कॉर्डाटा संघ के जंतु हैं, ये जो फाइलम कॉर्डाटा है उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन देखना आप, अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि कई बार अब विभाजन होगा इसका, और उसको पकड़ के रखना है आपको, दिमाग को शांत करके ध्यान से सुनना।
दीपक कह रहे हैं सर मेरा एफ कैट का एग्जाम 28 डेट को है, मैंने जब एफ कैट का एग्जाम होगा शेविंग करूंगा, बट शेविंग बहुत बढ़ गई है, क्या शेविंग करूं एंट्री मिल जाएगी? अरे भाई आपने फोटो अगर बिना शेविंग वाला लगा रखा है ना, और फिर आप तो बहुत लंबी लंबी दाढ़ी लेके जाएंगे तो हो सकता है वो पहचान ना पाए आपको, तो रिस्क मत लीजिएगा, है ना? ठीक है, चलो। तो ये जो फाइलम कॉर्डाटा है उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया। जो फाइलम कॉर्डाटा है, कॉर्डाटा को हिंदी में कॉर्डाटा ही लिखेंगे, है ना, रज्जु की लिख देते हैं, इसको तीन सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। पहला सब फाइलम है यूरो कॉर्डाटा, हिंदी में भी यूरो कॉर्डाटा लिखेंगे। दूसरा है सिफेलो कॉर्डाटा और तीसरा है वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा हिंदी में भी वर्टिब्राटा ही लिखेंगे। तो ये जो 11वां फाइलम है, लास्ट वाला फाइलम जिसका नाम है कॉर्डाटा, उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरो सिफेलो वर्टिब्राटा। अब देखो यूरोस मतलब होता है टेल और कॉर्डाटा मतलब होता है नोटोकॉर्ड, यानी अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में है, एडल्ट फेज में नोटोकॉर्ड नहीं है, सिर्फ लार्वा के टेल में है, तो उसको हम किस में रखेंगे, यूरो कॉर्डाटा में। इंसेफेलॉन मतलब क्या होता है, हेड या ब्रेन। सिफेलो कॉर्डाटा मतलब हेड से टेल तक अगर पूरे लाइफ नोटोकॉर्ड है तो उत्तर, तो उसको किस में रख दिया गया है, सिफेलो कॉर्डाटा में। लेकिन अगर नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गया है, वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बैक बोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड। अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, जैसे हम लोगों का रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा और विकसित हो गया, अगर नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो गया, तब इसको वर्टिब्राटा बोलेंगे। ध्यान से फिर से सुनना भाई, ये जो फाइलम कॉर्डाटा है गाइस, इसमें उस जंतुओं को रखा गया जिसमें नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में है, यूरो कॉर्डाटा, हेड से टेल तक पूरे जीवन परसिस्ट कर रहा है, सिफेलो कॉर्डाटा। लेकिन अगर नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में, तो कहेंगे वर्टिब्राटा। ये तीन सब फाइलम देखना। तो पहला जो सब फाइलम है यूरोकॉर्डाटा, इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में पाया जाता है, और इसके एग्जांपल हो गए एस्किडिया, सीपिया, डोलियोलम, हडमानिया। देखो ये हडमानिया ऑप्शन में था, हडमानिया ऑप्शन में था, मतलब लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है जी। यहां ध्यान दें, अगर अदरवाइज मिस कर जाएगा बिल्कुल क्लासिफिकेशन। दूसरा मैंने बनाया ये है, देखिए एस्किडिया, सिफेलो कॉर्डाटा। सिफेलो कॉर्डाटा क्या है कि अगर पृष्ठ रज्जु सिर से लेकर पूंछ तक फैला हुआ है तो सिफेलो कॉर्डाटा बोलेंगे। एक एग्जाम्पल याद रख लेना, एम्फियोक्सिस। और सब फाइलम वर्टिब्राटा, अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया है, नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गया है, मेरुदंड में या कशेरुक दंड में, इसको कशेरुक दंड भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो गया है, तब इसको हम बोलेंगे वर्टिब्राटा। समझ में आ गया? और वर्टिब्राटा को दो डिवीजन में बांटा गया है, दो डिवीजन में बांटा गया है। तो ये जो सब फाइलम वर्टिब्राटा है, सब फाइलम वर्टिब्राटा है, उसको दो डिवीजन में बांटा गया है, एगनाथा और नैथोस्टोमेटा। ध्यान से सुनना नहीं तो मिस हो जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो 11th फाइलम है जिसका नाम है कॉर्डाटा, उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। ध्यान से सुनना, तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, यूरो कॉर्डाटा, सिफेलो कॉर्डाटा
और वर्टिब्राटा, यही बताया था ना। जो लास्ट फाइलम हमारा क्वाड्राटा, जिस 11th फाइलम क्वाड्राटा, उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, यूरो, सिफेलो, वर्टिब्राटा। अब ये जो वर्टिब्राटा है, ये देखो एनसीईआरटी से काटा है मैंने, इसको दो डिवीजन में बांटा गया है, दो उपवर्गों में बांटा गया है। ये जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्राटा था, पहला है एग्नाथा, दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा में ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिसमें जबड़ा नहीं है, जबड़ा रहित जीवों को, और नेथोस्टोमेटा में वैसे जंतुओं को रखा गया है जिसमें जबड़ा है, जबड़ा युक्त जीवों को रखा गया है। और जो डिवीजन नेथो एग्नाथा है, उसको एक ही क्लास में बांटा गया है, उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम दे दिया गया? साइक्लोस्टोमेटा। अब ध्यान देना, ये जो डिवीजन नेथोस्टोमेटा है, जिसमें जबड़ा युक्त जीवों को रखा गया है, जिसके पास जॉज हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास जबड़ा है, तो हम किस में आ जाएंगे? नेथोस्टोमेटा में। इस डिवीजन नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेस में बांटा गया है, पाइसेस, मत्स्य वर्ग, और टेट्रापोडा। मत्स्य वर्ग में ऐसे जीवों को रखा गया जिसमें फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, जैसे मछलियां, मछलियां में फिन्स होती हैं, पंख होते हैं, और लिम्स मतलब हाथ पैर होते हैं, जिसमें लिम्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उसको सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया। पाइसेस में मछलियों को रखा गया है। मछलियां दो प्रकार की होंगी, वो मछलियां जिसका कंकाल कार्टिलेज का बना होगा उसको कॉन्ड्रिक्थिस बोलेंगे, और जिसका कंकाल बोन का बना होगा उसको ऑस्टिक्थिस बोलेंगे। तो वो जंतु जो पाइसिस से बिलोंग करेगा वो ट्रू फिश होगा, सुपर क्लास पाइसिस से जो बिलोंग करेगा वो ट्रू फिश होगा। और सुपर क्लास पाइसिस को दो क्लासेस में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थिस, उपास्थि वाली मछलियां, और ऑस्टिक्थिस, अस्थि वाली मछलियां। और सुपर क्लास टेट्रापोडा, जैसे हम लोग हाथ पैर वाले हैं, हमारे पास पंख नहीं है, मछलियों जैसा फिन्स नहीं है, हाथ पैर वाले को सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया है। और सुपर क्लास टेट्रापोडा को चार क्लासेस में बांटा गया, देखो, एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया, सरीसृप, ईव्स, पक्षी, और मैमल्स यानी स्तनधारी। जैसे हम लोग क्या है, किस क्लास से हैं? स्तनधारी वर्ग से हैं। किस सुपर क्लास से हैं? टेट्रापोडा से हैं। किस डिवीजन से हैं? नेथोस्टोमेटा से हैं। किस सब फाइलम से हैं? वर्टिब्राटा से हैं। किस फाइलम से हैं? क्वाड्राटा से हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो हमारा जो फाइलम है वो है क्वाड्राटा। कौन सा सब फाइलम है? वर्टिब्राटा। कौन सा डिवीजन है? नेथोस्टोमेटा, जबड़ा है। कौन सा सुपर क्लास है? टेट्रापोडा, लिम्स है। और कौन सा क्लास है? तो क्लास मेमलिया, यानी बच्चे देने वाले और बच्चों को दूध पिलाने वालों को किस वर्ग में रखा गया है? स्तनधारी वर्ग में। तो ये पूरा हायरार्की है क्लासिफिकेशन का। तो क्वाड्राटा जो लास्ट फाइलम है, उसको दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरो, सिफेलो, वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा को दो डिवीजन में बांटा गया है, एग्नाथा, जिसमें जबड़ा नहीं था, उसको एग्नाथा बोलेंगे, और एग्नाथा को एक ही क्लास में बांट दिया गया है, साइक्लोस्टोमेटा। अब देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल कौन सा है। दूसरा है नेथोस्टोमेटा, को दो सुपर क्लास में बांटा गया है, पाइसेस, जिसके पास फिन्स हैं, और टेट्रापोडा, जिसके पास लिम्स हैं। पाइसेस में मछलियों को रखा गया है, मछलियां दो प्रकार की हैं, अगर मछलियों का कंकाल कार्टिलेज का बना हुआ है तो कॉन्ड्रिक्थिस, बोन का बना हुआ है तो ऑस्टिक्थिस। टेट्रापोडा के पास हाथ पैर वाले जंतु को रखा गया है, और उसको चार क्लासेस में बांटा गया है, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और मैमल्स। अब एक एक करके देख लेते हैं, एग्नाथा को देख लेते हैं। वर्टिब्राटा का पहला डिवीजन है एग्नाथा। क्या है एग्नाथा? इसमें जबड़ा रहित जीवों को रखा गया है, और इसमें एक ही क्लास में बांटा गया है, साइक्लोस्टोमेटा। इसके बॉडी में जॉ नहीं होंगे, लेकिन इसका माउथ सर्कुलर होगा, जिसके पास सकिंग मतलब चूसक होंगे, जो सक कर सकते हैं चीजों को। और इसमें आता है एक जंतु जिसका नाम है पेट्रोमाइजोन, जिसको लैम्प्री बोलते हैं, मिक्सिन, जिसको हैग फिश कहते हैं। तो हैग फिश क्या है? सही फिश है।
ये फिश नहीं है, देखो हैग फिश फिश नहीं है, देखना हैग फिश किस में रखा गया है, एग्नाथा के साइक्लोस्टोमेटा में। तो हैग फिश भी क्या हो गया, फॉल्स फिश हो गया। लैम्प्री देखा होगा आपने, लैम्प्री भी क्या है, साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग कर रहा है। ये देखिए ये क्या होता है, दूसरे फिश पर एक्टो पैरासाइट के रूप में होते हैं, ये चूसते रहते हैं। इस मछली पे कोई अगर कीट मकोड़ा बैठा हुआ उसको खाता रहता है, ये है लैम्प्री। ये है पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्री कहते हैं। यह है मिक्सिन, यह हैग फिश बोलते हैं इसको, ये फिश नहीं है, ध्यान रखना। फिश जैसा दिख रहा है पर ये फिश नहीं है। फिश से कौन बिलोंग करेगा, जो यहां से आएगा, यहां से पाइसेस से बिलोंग करेगा वो फिश होगा। ये एग्नाथा से बिलोंग कर रहा है और क्लास कौन सा है, साइक्लोस्टोमेटा, ये याद रखना आपको। तो एग्नाथा जिसमें जबड़ा नहीं होता उसका एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा का याद रख लीजिएगा पेट्रोमाइजोन जिसको सी लैम्प्री कहते हैं। एक हॉलीवुड की मूवी इस पे है जिसमें लैम्प्री क्या करता है, आ करके आदमियों को मार देता है, खून चूस लेता है, देखा है कभी। दूसरा है डिवीजन नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा डिवीजन में उन जंतुओं को रखा गया जिसके पास जबड़ा है, और इसको दो सुपर क्लास में बांटा गया है, सुपर क्लासेस पाइसेस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसेस में उन जंतुओं को रखा गया जिसके पास फिन्स हैं, और इसमें सभी के सभी मछलियां आ जाएंगी, फिशेस आ जाएंगे। तो जो इससे बिलोंग करेगा वो ट्रू फिश होगा। और मछलियां दो प्रकार की होती हैं, कॉन्ड्रिक्थिस, हिंदी में भी कॉन्ड्रिक्थिस लिखेंगे, वो मछलियां जिसका अंतः कंकाल उपास्थि का बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा। कार्टिलेज देखिए अस्थि से थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, तो कार्टिलेज थोड़ा मुलायम होता है। जैसे टॉर्पीडो जिसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, ये मछली जो है वो झटका दे देती है, इस मछली को पकड़िएगा तो करंट लगेगा आपको, टॉर्पीडो। ये कौन सी मछली है, मछली ही है, ट्रू फिश है, लेकिन कैसी है, कार्टिलेजिनस फिश है। ट्राइगन, स्टिंग रे, स्कॉलियोडन, कुत्ता मछली, डॉग फिश, ये सब इसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये है टॉर्पीडो आपका, देखिए ये टॉर्पीडो है, ये स्टिंग रेस है ना, और ये डॉग फिश है, ये है डॉग फिश, कुत्ता मछली। डॉग फिश ट्रू फिश है, याद रखिएगा, डॉग फिश जो है वो ट्रू फिश है। यह टॉर्पीडो, टॉर्पीडो यह ट्राइगन, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला कि सुपर क्लास पाइसेस से बिलोंग करेगा वही मछली है, बाकी सब फॉल्स है। जो आपने ऑरेलिया जेली फिश पढ़ा है, आपने स्टार फिश पढ़ा है, वो सब फिश नहीं है, वो सब फॉल्स फिश है, एक साथ में मेंशन कर दूंगा आपको। अब दूसरा आ गया क्लास ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस इसका जो कंकाल होगा वो अस्थि का बना होगा, अस्थिल होता है, मतलब अस्थि का, हड्डियों का बना होगा। इसके पास एयर ब्लैडर होते हैं जो उत्प्लवकता प्रदान करते हैं, अंदर में ये हवा भरा होगा, एयर ब्लैडर होगा जो इसको बॉयंसी देते हैं, है ना, उत्प्लावन में सहायता करते हैं। और इसमें आप देख लो, शार्क हो गया, रोहू हो गया, कतला हो गया, मांगुर हो गया, सैलमन हो गया, हिप्पोकैम्पस जिसको घोड़ा मछली कहते हैं, सी हॉर्स कहते हैं, सी हॉर्स सच में मछली है, नाम है हॉर्स लेकिन है ये मछली। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, ये मछली है, ट्रू फिश है, ये है एक्सोसीटस, देखो ये फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस ये फ्लाइंग फिश है, ये हिप्पोकैम्पस है, सी हॉर्स, सी हॉर्स, ये सब ट्रू फिश है। तो कुछ फॉल्स फिशेस के नाम मैं लिख दे रहा हूं, फॉल्स फिशेस असत्य मछली, रेजर मत फिश, क्रे फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, जेली फिश, और अभी बताया था हैग फिश, ये सब के सब असत मछलियां हैं। नाम में मछली लगा हुआ है लेकिन ये मछली है नहीं। जैसे जेलीफिश आप जानते हैं कि सिलेंट्रेटा से संबंध रखता है, सिल्वर फिश ये एक इंसेक्ट है, कीट है ना, हैग फिश अभी बताया था मिक्सिन है, वो साइक्लोस्टोमेटा का सदस्य है।
याद रख लीजिएगा कि शार्क, रोहू, कतला, मांगूर, सैल्मन, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस, ये सब फ्लाइंग, जिसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, ये इस तरह से उड़ जाता है, पानी से निकलता है ना, तो इसका जो फिन है वो इस तरह से, फिन के बीच बीच में ये मतलब मेम्ब्रेन होता है जो पंख जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो फॉल्स फिशेस की अगर हम बात करें तो फॉल्स फिशेस में आ जाएगा रेजर फिश, कटल फिश, क्रे फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हैग फिश। रेजर से कटने पर क्राई मत करो, जेली, सिल्वर जेली लगाकर स्टार जैसा चमको, कुछ बना लो इस तरह से। जैसे पूछ लिया जाए कि कौन एक ट्रू फिश है, सिल्वर फिश यही ऑप्शन में था, जेली फिश, स्टार फिश, सी हॉर्स, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, कौन एक सत्य मछली है। तो आप कहेगा अभी सर आपने बताया कि सिल्वर फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये तो स्टार फिश इकैनोडर्माटा से बिलोंग करता है, जेली फिश आप जानते हैं कि सिलेंट्रेटा का सदस्य है, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, तो सही हो गया सी हॉर्स, ऐसे क्वेश्चन बना देगा। तो जिनके नाम में मछली है वो मछली नहीं है, और जिसके नाम में घोड़ा है वो मछली है ना, और तो यही तो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन इसीलिए टफ हो जाते हैं। तो मैंने क्या बोला गैस, मैंने देखो क्या बोला, यहां से फिर से आपको दिखाता हूं कि जो वर्टिब्रेटा है उसको दो डिवीजन में बांटा गया है, एगनाथा और नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में पीसेस, पाइसेस और टेट्रापोडा को रखा गया है। पाइसेस दो तरह के होते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। ये हिंदी मीडियम एनसीईआरटी का काट के यहाँ चिपका दिया, ठीक है। और इसमें चार पांव होंगे, मतलब चार लिम्स होंगे, दो फोर लिम्स और दो हाइंड लिम्स, और इसको चार क्लासेस में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ईव्स और मेमलिया में बांटा गया। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा को चार क्लासेस में बांटा गया, सुपर क्लास टेट्रापोडा को चार क्लासेस में बांटा गया। तो ये जो दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, इनमें उन जंतुओं को रखा गया है जिसके पास हाथ और पैर हैं, जिसके पास लिम्स हैं, जैसे हम लोग हो गए, और इसको चार क्लासेस में बांटा गया है। पहला क्लास है एम्फीबिया, उभयचर। उभयचर वर्ग में उन प्राणियों को रखा गया है जो लैंड और वाटर दोनों जगहों पे रह सकते हैं, स्थल पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। और ये सब बताने की अब जरूरत नहीं है कि मतलब इसके इसकी त्वचा पर स्केल नहीं होता है, मछलियों में स्केल होता है ना, इसकी त्वचा पे नहीं होता है। इसमें रेस्पिरेशन जो है वो गलफड़ा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, त्वचा के द्वारा होता है, बताने की जरूरत है क्या। इसके हृदय में तीन कोष्ठ होते हैं और ये अंडे देने वाले होते हैं, ये सबको पता है, ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले। एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। कैम्फीबिया वर्ग से कौन कौन बिलोंग करता है, तो फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सैलामेंडर हो गया। ये है फ्रॉग आपका, ये है फ्रॉग, थोड़ा सा खूबसूरत, और ये टोड थोड़ा सा भद्दा किस्म का दिखेगा आपको। जिसको बायोलॉजी नहीं आती वो फ्रॉग और टोड को एक ही समझ लेते हैं। फ्रॉग में इसकी त्वचा काफी चिकनी और मॉइस्ट होती है, इसकी त्वचा रफ होती है और ड्राई होती है। ये टोड साइज में फ्रॉग से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके कान के पास विष ग्रंथि पाई जाती है, और ये है आपका सैलामेंडर। सैलामेंडर आपने देखा होगा बरसात के दिनों में पानी के अंदर ऐसे गर्दन निकाल कर तैरता रहेगा, और शाम को देखिएगा तो इधर उधर मिट्टी के ऊपर भी डाल रहा होगा, जमीन के ऊपर भी, यह है सैलामेंडर। तो फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर एम्फीबिया वर्ग से बिलोंग करेंगे। एम्फीबिया में उन जंतुओं को रखा गया जो पानी और जमीन दोनों जगहों पे रह सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा क्लास है रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग। इसमें रेंगने वाले जंतुओं को रखा गया है, जितने भी क्रीपिंग या क्रॉल करने वाले एनिमल है
उसको रेप्टिलिया में रखा गया। इसके हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, एक को छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर। ये भी अंडे देने वाले होते हैं। और इसमें आ जाता है आपका सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल जो भी। अब कोई लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर ये मगरमच्छ तो पानी और जमीन दोनों जगहों पे रहता है। कोई ऐसे पूछ लेगा मुझसे क्वेश्चन कि सर ये जो मगरमच्छ है या घड़ियाल है, एलिगेटर है, ये पानी और जमीन दोनों जगहों पे रहता है, तो इसको तो रखना चाहिए था एम्फीबिया में, आपने इसको रेप्टिलिया में क्यों रख दिया? तो देखो भाई, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, तो किसी एक कैरेक्टर को लेकर उसको हम किसी वर्ग में नहीं रख देंगे। बेशक कोई डाउट नहीं है कि मगरमच्छ आपका पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, लेकिन इसके ज्यादातर कैरेक्टर सांपों से मिलते हैं, तो जिसमें ज्यादा कैरेक्टर रहेगा उसको हम उसी वर्ग में रखेंगे ना। सिर्फ ये देखकर कि ये पानी और जमीन दोनों जगहों पे रह रहा है, इसको हम एम्फीबिया में नहीं रखेंगे। याद रख लीजिएगा, सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, उस प्रजाति का जो भी है, वो सब के सब रेप्टाइल्स में आएंगे। ये जब चलते हैं तो इनका पेट जमीन को टच करता हुआ चलता है, रेंगते हुए चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा पक्षी वर्ग। आप जानते हैं सारे उड़ने वाले और अंडे देने वाले जंतुओं को रखा गया, तो इसमें सारे पक्षी आ जाएंगे। इसके पास पंख होंगे और चोंच होगा। इसका जो फोर लिंब है, अग्रपाद है, वो विंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो पक्षियों का जो विंग होता है, जो पंख होती है, वो क्या होती है? रूपांतरित अग्रपाद होता है, फोर लिंब्स। हाथ किसमें कन्वर्ट हो गया? विंग्स में कन्वर्ट हो गया। और इसका जो एंडोस्केलेटन होता है, जो अंतः कंकाल होता है, उसमें न्यूमैटिक बोन्स पाई जाती है। न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक हड्डियां पाई जाती हैं। ये न्यूमैटिक बोन्स क्या होती हैं? हॉलो बोन्स होती हैं, खोखली हड्डियां पर हैं, जो उड़ने में मदद करती हैं। तो पूछा गया था पक्षियों में जो खोखली हड्डियां पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स। और ये भी अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, जैसे कोलंबिया एस्ट्रूथियो, मतलब ये हो गया कबूतर। कबूतर जा जा जा। तो जितने भी पक्षी हो गए वो सब आ जाएंगे ईव्स वर्ग में। नेक्स्ट है लास्ट स्तनधारी वर्ग या स्तनी वर्ग। इसमें उन जंतुओं को रखा गया जिसके पास बाहरी कान है, ईयर पिन्ना है, कर्ण पल्लव है, जो बच्चे देते हैं, है ना, बच्चों को जन्म देने वाले, बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, और बच्चों को स्तन पान कराने वाले। तो वो जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम रखा गया है मेमलिया में, जिसके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। इसके जबड़े में विभिन्न प्रकार के टीथ होते हैं और ये वीवीपेरस होते हैं, बच्चों को जन्म देने वाले। वीवीपेरस मतलब बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। जैसे व्हेल, देखो व्हेल मछली नहीं है, स्तनधारी है, याद रखना। डॉल्फिन मछली नहीं है, स्तनधारी है। चमगादड़ पक्षी नहीं है, स्तनधारी है। आदमी, कुत्ता और गधा तो स्तनधारी है ही। तो वो जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को स्तनपान करवाते हैं, उसको रखा गया स्तनधारी वर्ग में या स्तनी वर्ग में। लेकिन एक्सेप्शन है, एक मेमल ऐसा है जो अंडा देता है, अंडे देने वाला स्तनी, अंडे देने वाला स्तनी है, ऑर्निथोरिंकस। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है वो था आपका क्लासिफिकेशन। अब देखना क्वेश्चन, ये देखो CAPF 2021 8 अगस्त को ये एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो नोटोकॉर्ड किसमें प्रेजेंट नहीं होगा बताओ? पॉरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, टीनोफोरा में, प्लैटी हेलमिंथिस में,
एस्केलमेंथिस में, ये सब जो है नोटोकॉड वाले नहीं है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डाटा, हेमीकॉर्डाटा और लास्ट था आपका कॉर्डाटा। देखना ध्यान से, कॉर्डाटा, कॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड होता है, तो बाकी ये 10 वाले में नोटोकॉर्ड नहीं होगा, तो अब आपको चुनना पड़ेगा। सेलामेंडर देखो कॉर्डाटा से बिलोंग कर रहा है, वर्टिब्रेटा से बिलोंग कर रहा है, खत्म हो गया। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश अभी बताया था मैंने, ये भी क्या है, कॉर्डाटा से बिलोंग कर रहा है। हडमानिया ये भी कॉर्डाटा से बिलोंग कर रहा है। होलोथ्यूरिया सी कुकुम्बर ये इकाइनोडर्माटा से बिलोंग कर रहा था, तो सही उत्तर आपका था होलोथ्यूरिया, जिसको हम सी कुकुम्बर कह रहे थे। देखा क्वेश्चन, तो वन लाइन पढ़ने से होगा। निम्नलिखित में से किसमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता, ये हिंदी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता, अब होलोथ्यूरिया को तो होलोथ्यूरिया ही लिखा हुआ था, हडमानिया हडमानिया ही लिखा हुआ था, एक्सोसीटस एक्सोसीटस ही लिखा हुआ था हिंदी में, सेलामेंडर सेलामेंडर ही लिखा हुआ था। मयंक समझ में आ गया ना, तो इस तरह से आपको बहुत ही बढ़िया पैमाने पे क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा 11th लेवल का, जो नीट लेवल का होता है उसका मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो अब सारे एग्जांपल को आप देख लीजिएगा एक बार, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो सकता है मैंने पढ़ाने के ख्याल में देखा नहीं हो, तो वो आप पूछ सकते हो। जलपरी, जलपरी नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सीपिया नहीं है, मोलस्का में जो है वो सीपिया नहीं, वो सैल्पा है, वो गलती से लिखा गया होगा, ये सैल्पा होगा, मोलस्का में होगा वो, ठीक है। एक मिनट मैं चेक ही कर लेता हूँ, मोलस्का, और किसमें था ये, यूरोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा में जो है वो सेल्पा होगा, कहाँ है यूरोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा में ये सेल्पा है ना, सीपिया उसी में होगा, सी अर्चिन मोलस्का में होगा सीपिया। और किसी का कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।